हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है 20 अप्रैल। तो हम 20 अप्रैल के लिए देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से पीवट पॉइंट और सीपीआर का यूज करके ट्रेड ले सकते थे, कहां कहां से हमारे कौन कौन से पैटर्न आज बने हैं, ये सारी चीजें हम वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो प्यार आप लोग मेरे वीडियो पे वक्त दिखाते हो, बहुत ही मैं आप लोग का आभारी हूँ। और आप कई लोग का मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ। क्योंकि मेरे पास मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता नहीं है जॉब के बाद। तो अगर मैं कई लोग का अगर जवाब नहीं दे पाता हूँ तो आई एम सॉरी गाइज, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हर किसी के जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, जो जेन्युइन क्वेरी हैं, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, हर तरीके से मैं कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 20 अप्रैल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इम्पोर्टेंट लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेते हैं, और एक वर्जित सीपीआर है ये, इसको भी हमने मार्क कर लिया है। और प्रीवियस डे जो हाई है एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है क्रैश हुआ है। तो जो ये लेवल है ये जो है सप्लाई जोन के तरीके से काम करेगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, तो हमने इसको मार्क कर रखा है। तो आइए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। दिन की जो पहली कैंडल है रेड कैंडल बनती है, क्या करती है, सीपीआर को ब्रेक करती है किधर से, नीचे से। तो पैटर्न के हिसाब से हमारा यहाँ पे सेल ट्रेड बनता है। अगर आपने इस पे ट्रेड लिया भी होता तो आपका टारगेट तो अचीव होता नहीं, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है इसमें जो होता है प्रीवियस डे लो होता है हमारा टारगेट, या फिर जो भी नियर बाय का यहाँ पे पिवट पॉइंट होता है, पिवट लाइन होता है, वो हमारा जो टारगेट होता है। और इसमें स्टॉप लॉस हमारा जो होता है सीपीआर के ऊपर होता है या फिर उस कैंडल के ऊपर होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होता है। तो क्या होता है, इस ट्रेड में अगर आपने इस पे सेल ट्रेड लिया होता तो इस पे जो है आपका जो है स्टॉप लॉस तो ना ही टारगेट हिट होता ना ही स्टॉप लॉस हिट होता, आप इस ट्रेड में जो है इवन रहते हैं, मीन्स आपका ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। लेकिन इस फर्स्ट कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्यों, अभी मैं बताऊंगा। जब मैं आपको मैं निफ्टी की चार्ट दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि जो आज बैंक निफ्टी था वो काफी मतलब सेल साइड था, काफी मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव थे, और जो निफ्टी जो था उसमें जो है बायर काफी एक्टिव थे, और निफ्टी जो है ऊपर की साइड भाग रहा था, और जो बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ भाग रहा था। इसलिए जब मैं आपको बताऊंगा, जब निफ्टी के चार्ट को मैं आपको दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्यों हम जो है इस फर्स्ट कैंडल पे हमको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों ने लिया वो भी गलत नहीं किए, आप लोगों ने अगर सेल ट्रेड लिया होता कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होता तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न है, अगर आपको है तो ये ट्रेड लेना चाहिए। तो इसमें ना हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ ना हमारा जो है प्रॉफिट हुआ। एक पैटर्न तब बनता है जब मार्केट जब साइडवेज होता है, तब एक ये हमारा पैटर्न होता है। जब भी मार्केट साइडवेज बनता है तो हम क्या करते हैं, एक घंटे के लेवल जो एक घंटे का चार्ट बनता है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो हाई होता है और जो लो होता है उसको हम मार्क कर लेते हैं। और जब भी मार्केट उसके पास आता है तो हम क्या करते हैं, या अगर उसके हाई के पास आता है तो हम सेल करते हैं, उसके लो के पास आता है तो हम बाई करते हैं। कई लोग, आज मैंने एक पोस्ट भी डाला था तो आप लोग से पूछा था कि आप लोग बताइए कि कौन सी जगह पे आप लोग को ट्रेड लेना चाहिए, तो कई लोगों ने इसको जो है डब्लू पैटर्न बोला है। ये डब्लू पैटर्न नहीं है दोस्तों, क्योंकि डब्लू पैटर्न के लिए एक जो है काफी मार्केट जो है शार्प डिक्लाइन होना चाहिए, फिर उसके बाद एक रिकवरी आनी चाहिए, फिर डिक्लाइन होना चाहिए उसी लेवल से, फिर उसी लेवल पे हम जो है यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे बाई ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हमारी जो पहली कैंडल है इतनी बड़ी कैंडल बनी है और हमारा जो पूरा ट्रेड है इसी के अंदर ही घूमता रहा है, तो ये हमारा जो है डब्लू पैटर्न नहीं है। अगर डब्लू पैटर्न होता भी तब भी जो है इस लेवल के पास जो हमारा ट्रेड आया नहीं था, इस लेवल के पास आता तब हम जो है इस पे ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे कोई डब्लू पैटर्न नहीं बना है। तो अब देख लेते हैं ट्रेड हमारा बनता कहाँ पे है। हम जो है जो हाई है जो लो है उनको मार्क कर लेते हैं। तो हमने जो है लो को मार्क कर लिया, हाई को मार्क कर लेते हैं। अब होता क्या है, मार्केट जो है इस लेवल के जब अपने जो है हाई के पास पहुंचती है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है, प्लस किसका रेजिस्टेंस है हमारे पास, पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस है, प्लस हमारा एक रूल है कि हम पिवट पॉइंट के अंदर ना सेल करते हैं ना
बाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे सेल ट्रेड तो बन रहा है यहाँ पे, और हमारा टारगेट क्या होता, जो भी आज का लो था वहां हमारा टारगेट होता। अगर इस पे आपने ट्रेड लिया होता तो आपका जो है प्रॉफिट 2R का हुआ होता है। लेकिन हमारा रूल क्या है कि हम जो है पिवट लाइन के अंदर कोई भी ना बाई ट्रेड लेते हैं ना सेल ट्रेड लेते हैं। हाँ, अगर इस रेड कैंडल के आसपास होता तो हम जरूर इस पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन काफी ये पिवट पॉइंट के पास है तो हम इस पे कोई भी सेल ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस पे हमारा पैटर्न बना, लेकिन और अगर आपने ट्रेड लिया भी होता तो इस पे आपका टारगेट हिट होता, लेकिन यहाँ पे हम जो है कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, इस ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। फिर उसके बाद होता क्या है, ये जो रेंज मार्केट काफी टाइम से बनाए हुए था, उसके बाद इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया इस रेंज को, तो हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बनता है सेल ट्रेड का। हम इस ट्रेड इस पे क्या करेंगे, सेल ट्रेड लेंगे, अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इस कैंडल के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा जो टारगेट होगा प्रीवियस डे जो लो है या फिर नियर बाय पिवट लाइन, लेकिन क्या होता है इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आज दिन भर के लिए हमारे पास केवल दो ट्रेड था बैंक निफ्टी में, जिसमें हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक में हमारा जो है न टारगेट हिट हुआ है न स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अब आइए देख लेते हैं निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते थे। तो 20 अप्रैल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट लेवल है उनको मार्क कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लिया है, प्रीवियस डे लो को मार्क कर लिया है, एक वर्जिन सीपीआर है हमने उसको भी मार्क कर लिया है, प्लस ये जो 19 अप्रैल का ये जो प्रीवियस डे हाई है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ था तो एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है जो प्रीवियस डे हाई है। तो अब आइए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। तो जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट देखते तो जो फर्स्ट कैंडल पे देखिए, इसमें भी एक पैटर्न, ये भी क्या है सीपीआर को ब्रेक करता है, लेकिन किधर से, ये बाई ट्रेड बनाता है सीपीआर में, और बैंक निफ्टी में क्या बना था, नीचे से ब्रेक किया था, मीन्स रेड कैंडल बनाया था। तो कॉन्फ्लिक्ट था इसमें, निफ्टी जो है ग्रीन कैंडल बना रहा है, बैंक निफ्टी जो है रेड कैंडल बना रहा है। तो इस ऐसे चीजों में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम ट्रेड अवॉइड करते हैं। फर्स्ट कैंडल पे हमारा जो है सेटअप तो बन रहा है, आपने सेटअप लिया होता जिसमें आपको स्टॉप जो है टारगेट भी आपका अचीव होता, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ट्रेड को अवॉइड करते हैं। अगर आपने इस ग्रीन कैंडल पे अगर बाय ट्रेड लिया होता है तो इसमें जो आपको जो है टारगेट अचीव हुआ होता, और बैंक निफ्टी में हमारा क्या हुआ था, टारगेट हमारा अचीव नहीं होता लेकिन स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप जो है ट्रेड लेना चाहेंगे तो कोई गलत नहीं, इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, एक ऐसा प्रूफ फुल ट्रेड लेना चाहते हैं जिसमें जो है कि जो है आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो, तो आप ऐसे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अगर आप एक फुल प्रूफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस ट्रेड को आप अवॉइड करोगे। उसके बाद देख क्या होता है, इसके बाद मार्केट हमें आज दिन भर के लिए निफ्टी में हमें दोबारा कोई चांस नहीं मिलता है कि हमको निफ्टी में कोई दूसरा ट्रेड मिल जाए। तो निफ्टी के लिए बस एकमात्र ट्रेड था जिसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ है, बैंक निफ्टी में हमारे दो ट्रेड थे जिसमें हमारा एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक जो है हमारा जो है बिना स्टॉप लॉस और ना ही टारगेट अचीव हुए हैं। तो आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इतना ही था गाइस। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को, जो भी आज नए सब्सक्राइबर हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।